बैंक खाते में नहीं रखने चाहिए 5 लाख से ज्यादा रुपए, जानिए इसका नुकसान। अक्सर कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि आखिर बैंक खाते में कितने पैसे रख सकते हैं। ऐसे में पहले ये जान लीजिए कि अगर किसी कारण बैंक डूब जाता है या दिवालिया होने की स्थिति में आ जाता है तो ऐसे में लोगों के बैंक खाते में रखे पैसे का क्या होगा। ऐसे में अगर नियम की माने तो खाता धारक को 5 लाख रुपए तक ही मिल पाएंगे। अपनी आजीविका चलाने के लिए हर किसी को कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ता है। घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपने लिए, बच्चों के लिए और अपने आज के अलावा भविष्य के लिए भी पैसों की जरूरत पड़ती है। ऐसे में लोग अपनी इस मेहनत की कमाई को कई जगहों पर निवेश भी करते हैं, जिनमें कई तरह की योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा ज्यादातर लोग अपने पैसे को बैंक खाते में रखते हैं और कई लोगों के तो एक से ज्यादा बैंक खाते भी होते हैं जिनमें वो पैसे रखते हैं। ऐसे में अगर आप भी अपने बैंक खाते में पैसे रखते हैं तो आपके लिए भी ये जानना जरूरी है कि आपको अपने बैंक खाते में कितने पैसे रखने चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस बारे में। ऐसे में अगर नियम की माने तो खाता धारक को 5 लाख रुपए तक ही मिल पाएंगे। फिर चाहे आपके बैंक खाते में 5 लाख रुपए से ज्यादा पैसे जमा हो, ऐसे में ये माना जा सकता है कि सरकार आपके बैंक खाते में 5 लाख रुपए तक की सुरक्षा की गारंटी लेती है। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि सरकार RBI के साथ मिलकर लोगों के पैसे को डूबने से बचाने के लिए कई तरीके निकालती है। सरकार लोगों के पैसों को डूबने से बचाती है। भले ही सरकार खाता धारक के 5 लाख रुपए तक की सुरक्षा गारंटी लेती है, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक हर एक बैंक पर अपनी पैनी नजर रखता है। अगर कोई बैंक किसी कारण डूबने की स्थिति में आता है तो RBI उस बैंक को किसी अन्य बैंक के साथ मर्ज करके लोगों के पैसे को सुरक्षा प्रदान करता है। इससे आपका पैसा डूबता नहीं है और आपका बैंक भी सिक्योर हो जाता है। बीते सालों में RBI ने कई डूबते बैंकों को अन्य बैंकों के साथ जोड़कर लोगों की मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखा है। ऐसे में आपको अपने बैंक खाते में पैसे रखने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार आपके पैसे की सुरक्षा को प्रदान करने के लिए कई जरूरी कदम उठाती रहती है।